नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टोनी और आप देख रहे हैं टोनी मिनाटी चैनल। और आज हम जिस फ़ोन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हुआवे मेट एक्स, जो कि फरवरी में अनाउंस हुआ था और अब मार्केट में अवेलेबल होने ही वाला है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेक्स। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की बात करी जाए, जो कि 8 इंच की लार्ज डिस्प्ले है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी दिखती है, जो कि एक OLED डिस्प्ले है। 414 PPI डेंसिटी के साथ एक 4K डिस्प्ले, जो कि देखने में काफ़ी शानदार और बढ़िया दिखती है। अगर इसकी फ्रंट डिस्प्ले की बात करी जाए, जो कि है 6.6 इंचेस की, एंड इसकी बैक डिस्प्ले की बात करी जाए, जो है 6.3 इंचेस की, जो कि इसको 19:5.9 के काबिल बनाती है। काफ़ी थिन और काफ़ी ज़बरदस्त इसका पैनल है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा दिखता है। और जो चीज़ इसको सबसे ज़्यादा बेहतर बनाती है वो है इसका हैंज। जो हैंज बनाने में हुआवे कंपनी को लगभग 3 साल का समय लग चुका था, और अब उन्होंने अपनी इस नई टेक्नोलॉजी के साथ इस मोबाइल को मार्केट में उतार दिया है। 11 mm की इसकी थिकनेस है एंड इसके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, आप देख सकते हैं। एंड इसका हैंज बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें जुड़ा हुआ है। इट्स जस्ट लाइक अ सिंगल पीस। इसकी साइड बार की बात की जाए तो आप इसमें एक बटन को नोटिस करेंगे, जो कि इसकी डिस्प्ले को होल्ड करने के लिए है। जिससे आप डिस्प्ले फोल्ड करते तो ये डिस्प्ले होल्ड हो जाती है, एंड देन आप इसके बटन को जब प्रेस करते हैं तो इसकी डिस्प्ले ओपन हो जाती है। इट्स जस्ट लाइक दैट। दोस्तों, आप ये जो साइड बार देख रहे हैं स्मार्टफोन में, सारा मैजिक साइड बार में ही है, जिसके अंदर ट्रिपल कैमराज है, जो कि इस स्मार्टफोन को एक अच्छी और बेहतरीन पिक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, को कैमरे की बात करी जाए तो इसमें एक 14 MP का कैमरा है, जो इसमें एक वाइड एंगल फ़ोटोज़ प्रोवाइड करता है, एंड एक 16 MP का कैमरा है, जो कि इसमें एक अल्ट्रा वाइड एंगल फ़ोटोज़ प्रोवाइड करता है, एंड एक 8 MP का एक और कैमरा है, जो कि इसमें टेलीफोटो पिक्चर प्रोवाइड करता है। साइड बार में आपको ऑन ऑफ बटन मिलता है, जो कि आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी काम करता है। बैक साइड की बात करी जाए तो उसमें फ़ोन के दोनों तरफ 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि हमारा हुआवे का एक सुपर चार्जर, 55 W का सुपर चार्जर इसकी बैटरी को चार्ज करता है एक सुपर तरीके से। एंड जो इसका हुआवे का सुपर चार्जर है वो इसको 30 मिनट में 85% तक की बैटरी दे सकता है, इसे चार्ज कर सकता है। कैमरे की बात करी जाए तो इसके अंदर डिफरेंट तरह के ऑप्शंस मौजूद है। आप इसमें वाइड एंड ऑप्टिकल जूम के साथ जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं, जिसमें पिक्चर क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी और बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगी। जिस कैमरे से आप बैक पे पिक्चर्स ले रहे थे, उसी कैमरे से आप फ्रंट पे पिक्चर्स ले सकते हैं एक ही तरीके से। सेल्फीज़ की बात करी जाए तो यही 3 कैमरा आपको सेल्फीज़ में भी इस्तेमाल ले सकते हैं, जो कि दूसरे फ़ोन से इस फ़ोन को काफ़ी बेहतर और अलग बनाता है। परफॉर्मेंस के बारे में देखा जाए तो कंपनी ने इसमें यूज़ करा है एंड्रॉयड 9.0 OS पाए, एंड इसमें आपको हुआवे का खुद का बनाया हुआ क्रिन 980 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। वेरिएंट की बात करी जाए तो इसमें जो स्टार्टिंग बेस वेरिएंट है वो है 8 GB ऑफ रैम एंड 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट। कार्ड स्लॉट भी इस स्मार्टफोन में मौजूद है, तो आप 256 GB तक का अपना SD कार्ड जो है इस स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हैं। साउंड की बात करी जाए तो इसमें मिलते हैं आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर, जो कि काफ़ी अच्छी और बेहतरीन साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं। इन्हीं सब फीचर्स के साथ ये फ़ोन एक्सपेंसिव भी बहुत है। अगर इसकी यूरो में बात करी जाए तो ये 2300 यूरो है, जो कि डॉलर में अराउंड 2600 डॉलर्स बनते हैं। यूज़ करने वाले लोग इसे ज़रूर यूज़ करेंगे। कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड एक चीज़ जो हर बार आप भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा एंड उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो टाइम से मिलती रहे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।